जी शिवान मस्तु भीम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवभक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल से नवरात्रों का प्रारंभ होने वाला है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग अवतारों की हम पूजा अर्चना करते हैं, 9 दिनों के व्रत धारण करते हैं और भक्त देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कई प्रकार के अनुष्ठान भी करते हैं। परंतु व्रत जब हम 9 दिनों का धारण करते हैं या हम पहला आखिरी व्रत करते हैं, तो व्रत रखते समय भक्तों को अपने द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 9 दिनों में कुछ नियम होते हैं माता रानी की पूजा अर्चना के, जिसका पालन हमें अवश्य रूप से करना चाहिए और खास तौर पर खाने पीने की वस्तुओं को लेकर, क्योंकि नवरात्र के दौरान कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका सेवन करना वर्जित बतलाया गया है और ऐसे में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो नवरात्र का, क्योंकि ये पर्व 9 दिनों का होता है, बहुत लंबा अनुष्ठान होता है, कुछ भक्त पहला आखिरी व्रत ही कर पाते हैं अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, परंतु कुछ भक्त 9 दिनों तक व्रत धारण करके माता रानी को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो ऐसे में मन में यही शंका रहती है कि 9 दिनों के इन अनुष्ठान के दौरान हमें अपने भोजन में क्या चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपके सारे डाउट्स और कंफ्यूजन दूर कर दूंगी कि आपको व्रत के दौरान किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों को नहीं खाना चाहिए। यदि आप 2 दिन का व्रत कर रहे हैं तो भी आपको इस नियम का पालन करना है, यदि आप पूरे 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं तब भी आपको इन नियमों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। तो वीडियो पर चलने से पहले, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हो, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि हम 9 दिनों के अनुष्ठान के अंदर है। तो ऐसे में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें अपने घर में क्या चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और किन चीजों को नवरात्र के दौरान घर में लाना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रि के 9 जो शुभ दिनों में के दौरान जब हम व्रत करते हैं, हमें ऐसे में किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए, दाल, आटा, सूजी, मैदा वगैरह, इस प्रकार के सभी नियमित अनाज का जो सेवन करते हैं आप, उससे परहेज करना चाहिए। और हाँ, यदि घर में किसी का व्रत नहीं है तब तो आप उन्हें भोजन बनाकर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु नवरात्र के 9 दिनों के दौरान व्रती को और घर के अन्य जो सदस्य हैं उनको भी प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। ये शारीरिक और दिमाग को हानि भी पहुंचाते हैं, शरीर में तामसिकता उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे में 9 दिनों तक जब भी आप व्रत कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, माता रानी की पूजा आराधना कर रहे हैं, तो ऐसे में शुद्ध सात्विक आहार का ही भोजन करें। कुछ परिवार में 9 दिनों तक प्याज लहसुन यूज नहीं किया जाता, किचन से भी हटा दिया जाता है। तो इस चीज का देखिए विशेष ध्यान रखिए, माता के 9 दिन होते हैं, बाकी दिनों में आप कुछ भी खाएं पिए, कोई देखिए मनाही नहीं होती। और नवरात्र के दौरान जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जैसे कि मांस, मछली, चिकन, अंडे, मांसाहारी खाद्य पदार्थों को हमें किचन में नहीं रखना चाहिए। पहले ही एक दिन पहले फ्रिज की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा, मतलब कि आज ही आप साफ सफाई अच्छे से कर लें। इसके पश्चात कुछ घरों में पुरुष शराब का सेवन करते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, मसाले वाले पान वगैरह खाते हैं, तो कृपया करके 9 दिन तक बिल्कुल आप अवॉइड करें, चाहे आप व्रत में हैं या नहीं है। व्रत रखने वाले भक्तों को देखिए, फलियां, दाल, चावल, मक्के का आटा, साबुत गेहूं, रवा, सूजी वगैरह, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका सेवन नहीं करना है। और देखिए, जो लोग व्रत करते हैं वो सब्जियों में कई प्रकार के मसाले भी डालते हैं, तो मसाले यदि आप बाहर बाजार से लाए हैं तो उसका सेवन भूल से भी ना करें, क्योंकि कुछ मसालों में जब मार्केट के मसाले होते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, उसमें प्याज का पाउडर, लहसुन का पाउडर, कुछ अन्य प्रकार के मसाले मिलाए जाते हैं। तो यदि आप अपने व्रत का भोजन बना रहे हैं तो इस प्रकार के मसालों को आपको भूल से भी अपने खाने में नहीं डालना है। सब्जियों में कुछ विशेष सब्जियां होती है, जैसे कि आप जानते होंगे सफेद पीठा, कुमड़ा जिसे हम बोलते हैं, जिसे नवरात्र के दौरान बलि दिया जाता है, वो भी नहीं खाना चाहिए। और दालों में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए, इस चीज का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो खाना नहीं है, उन चीजों की हमने बात कर ली, अब किन चीजों को खाना है हमें उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, व्रत जब आप करते हैं तो व्रत 2 प्रकार से होते हैं, एक निर्जला व्रत होता है और एक होता है आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ भी ग्रहण करते हैं। कुछ लोग निर्जल रह के व्रत करते हैं। देखिए, भगवान ने सबको अलग अलग शक्ति दी है, माता रानी सबको शक्ति दे व्रत करने की। कुछ लोग लौंग पे रहते हैं, कुछ मिश्री पर रहते हैं, कुछ सिर्फ चाय दूध पर रहते हैं, तो सबका अलग अलग शारीरिक व्यवहार होता है जिस प्रकार से वो व्रत करते हैं। परंतु यदि हम एक समय भोजन कर रहे हैं या फिर हम फलाहार कर रहे हैं, तब हमें कैसे करना है, क्या चीजों को खाना है, वो ध्यान से
सुन लीजिएगा। सबसे प्रथम बात, नवरात्र के जब आप व्रत करते हैं तो केवल फलाहार रहकर व्रत किया जा सकता है। आप केवल फलों का सेवन कर सकते हैं, फलाहारी वस्तुएं खा सकते हैं, परंतु कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं। ऐसे में सबसे पहले ये जान लीजिए फ्रूट्स में आपको कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं। आप फ्रूट्स में सभी तरह के फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रूट्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल कुछ भक्त नींबू का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों के दौरान कुछ लोग नींबू को नहीं काटते हैं, क्योंकि नींबू को बलि स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए आप चाहे तो नींबू का सेवन करें, चाहे तो देखिए ना करें, मैंने दोनों ही बातें आपके सामने रख दी है। अब फलाहारी वस्तुओं में आ जाते हैं। कुछ लोग समा के चावल खाते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं आप, कुट्टू का आटा ले सकते हैं, राजगिरा ले सकते हैं, साबूदाना ले सकते हैं। इन सबकी खिचड़ी, खीर चावल की तरह बना के, समा के चावल के, क्योंकि पुलाव बहुत अच्छा बनता है जो आप शुद्ध शाकाहारी फलाहारी इसे बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब जो नमक का प्रयोग है, आपको सादा नमक प्रयोग नहीं करना है अपने भोजन में। आप प्रयोग करेंगे केवल सेंधे नमक का। सेंधे नमक का इस्तेमाल करें, सफेद नमक जो रेगुलर वाला है वो अपने खाने में यूज ना करें। तेल में आप कोई सा भी तेल यूज कर सकते हैं, केवल सरसों के तेल का आपको प्रयोग नहीं करना है। और यदि आप जो अन्य सोयाबीन वगैरह का तेल होता है, आप उसका भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि सोयाबीन अनाज की श्रेणी में आता है। तेल में आप मूंगफली के तेल का, सनफ्लावर ऑयल और जो भी आपके घर में ऑयल आता है आप उसका यूज कर लीजिए। सबसे शुद्ध व्रत के भोजन का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आप घी का प्रयोग करिए। देखिए सबसे शुद्ध घी को माना जाता है। अगर आपके घर में अच्छे से आपने घी बनाया या आप मार्केट से भी लाते हैं, पतंजलि का घी कुछ लोग यूज करते हैं, तो आप बिल्कुल घी का प्रयोग कर सकते हैं। अब मसालों में आप देखिए जीरा हो गया, जीरे का पाउडर, हरी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, अजवाइन, लौंग, काली मिर्च का यूज कर सकते हैं। लाल मिर्ची का प्रयोग ना करें। व्रत के दौरान लाल मिर्ची का यदि आप प्रयोग करते हैं तो पेट में जलन की समस्या बढ़ जाती है, तो लाल मिर्च का प्रयोग कम से कम करें। आप उसके स्थान पर हरी मिर्ची या काली मिर्ची का प्रयोग कर सकते हैं। मसालों में आप खड़े मसाले जो आपके घर में प्योर और शुद्धता से रखे हुए हैं, आप उसका प्रयोग बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। सभी मसालों का प्रयोग आराम से करें। सब्जियों में देखिए आप आलू, शक्कर, लौकी, कद्दू, टमाटर, इन सारी चीजों का सेवन बिल्कुल कर सकते हैं यदि आपका व्रत है। आप एक समय पर शाम के समय जब भी आप खाना वाना खाते करते हैं, क्योंकि देखिए सुबह की पूजा जब आप कर लेते हैं ना, सुबह की पूजा करने के पश्चात जो आपको एक बार लेना है, मान लीजिए आपने चाय वगैरह ली, चाय के साथ में आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, कुछ भी चीज ले सकते हो, एक ही बार लीजिए। व्रत का अर्थ ये होता है उपवास, मतलब भगवान के निकट रहना, ना कि भोजन के निकट रहना। व्रत का मतलब ही यही होता है कि अपनी इंद्रियों पे हम कंट्रोल करें, ना कि हम भूखे रहें। इंद्रियों को कंट्रोल करने का अर्थ है उपवास। तो उपवास के दौरान बार बार खाना खाने से आपको बचना चाहिए। बार बार हम पानी पी रहे हैं, बार बार हम कभी जूस ले रहे हैं, कभी चिप्स खा रहे हैं, इन चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बारी आती है ड्राई फ्रूट्स में। आप देखिए काजू, बादाम, पिस्ता, मखाने वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, परंतु मार्केट से रोस्टेड वाले मत लाइएगा। वो बाहर से रोस्ट आते हैं और उसमें नमक पता नहीं कौन सा मिला होता है, हम नहीं जानते। तो आप नॉर्मल जो ड्राई फ्रूट्स आपके घर में रहते हैं उसको आप खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं, और पिस्ता बिना नमक वाला आपको खाना है, नमक वाला पिस्ता मत खाइएगा। अब बात रही पेय पदार्थों की। कुछ लोग चाय कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं व्रत के दौरान, तो ज्यादा चाय कॉफी लेने से डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है, और कॉफी व्रत के दौरान नहीं पी जाती क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है। तो आप चाय बिल्कुल लीजिए, पर कम से कम चाय पीने की कोशिश करें, पूरा दिन चाय का सेवन नहीं करते रहना। जैसा मैंने कि आपको बताया, दो बार का नियम रखिए। यदि आप एक समय फलाहार करते हैं और एक समय बाद में कुछ रात्रि में लेते हैं, तो आप दो बार का नियम रखिए, और पहले ही दिन संकल्प ले लीजिएगा किस तरह से आप व्रत करते हैं। जूसेस में देखिए, आप मार्केट के फ्रूट जूस बिल्कुल अवॉइड करिएगा। बाहर के जूसेस आपको बिल्कुल नहीं लेना है। घरों पर जो आपके यहाँ ताजे फल रहते हैं उसका जूस बिल्कुल निकालिए। यदि आप भूखे नहीं रह पाते हैं, एक समय कुछ लेते हैं, तो बनाना शेक ले लीजिए। नारियल पानी ले सकते हैं जो कि डिहाइड्रेशन को आपके दूर करेगा। दूध दही लीजिए, दही पेट में आपके ठंडक बनाकर रखेगा और गर्मी नहीं होने देगा। आप मिठाइयां अगर चाहते हैं तो देखिए मिठाइयों में दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं आप, मावे की बनी मिठाई ले सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जब हमारा व्रत होता है तो हम अक्सर बोलते हैं कि मीठा आप कुछ भी खा सकते हो, तो मार्केट से बनी मिठाइयों में उन्होंने क्या मिक्स किया ये हम नहीं जानते हैं, तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूध दही लीजिए, पनीर ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, लस्सी ले लीजिए, मक्खन घर का बना हुआ आप यूज कर सकते हो,
और यदि आप कोई मिठाई बना रहे हैं तो उसमें गुड़, शक्कर या फिर खजूर का आप यूज कर सकते हो। बाहर से कुछ भी प्रिजर्वेटिव लाके घर में ना रखें। व्रत के दौरान देखिए कुछ नियम होते हैं जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। हलवे में यदि हम कई बार होता है हम हलवा माता रानी को भोग लगा रहे हैं तो आप हलवे में गाजर का हलवा बना सकते हैं, लौकी खीर बना सकते हैं, लौकी का हलवा बनता है वो बना सकते हैं आप, और सिंघाड़े के आटे का हलवा बनता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे घर में शुद्ध सात्विक होती है, बस हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। खाने के नियम मैंने आपको बताई दिए। सुबह की पूजा के बाद आप एक नियम बना लीजिए कि जो मैं लूंगा वो एक ही बार लूंगा या लूंगी। इसके पश्चात जब आप शाम की आरती कर लें तब आपको जो भी कुछ से लोग खाना खाते हैं, परंतु खाने को मैं बोलती हूँ अवॉइड करना चाहिए, व्रत के दौरान अनाज का सेवन नहीं किया जाता। तो देखिए सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी कि शुद्ध सात्विक रूप से आप भोजन बनाएं और उसको ग्रहण करें। इसके बाद आपको क्या करना है, बार बार कई बार हमारी आदत होती है चलते फिरते जूस ले लिया, चलते फिरते कोई फ्रूट खा लिया, ऐसा नहीं करना है। आप एक बार तसल्ली से एक स्थान पर बैठकर खाएं और शुद्धता का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। यदि आपका कोई व्रत का भोजन बना रहा है, मान लीजिए आपकी पत्नी है या आपकी माताश्री है, जो भी आपके लिए भोजन बना रहा है शुद्ध रूप से बनाना चाहिए। मासिक धर्म वाली यदि कोई स्त्री या महिला आपके भोजन को छूती है तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। बाहर का खाना खाने से, पानी पीने से आपको बचना है। यदि आप किसी के घर जाते हैं कोई आपको कुछ भी चीज ऑफर करता है कि पानी ही पी लो, तो ऐसे में मैंने पहले भी आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था, जिसके घर का आप पानी अनाज कुछ भी चीज ग्रहण करते हैं, फल ग्रहण करते हैं, आपके व्रत का कुछ भाग उस व्यक्ति को चला जाता है। तो कुछ लोग आप अक्सर देखते होंगे व्रत के दौरान अपने साथ ही अपना पानी लेकर जाते हैं जहां पर भी जाते हैं, या फिर कुछ फ्रूट वगैरह वो अपने साथ ही रखते हैं, कहीं पर भी बाहर वो कुछ भी लेना पसंद नहीं करते। उसका कारण यही होता है कि व्रत के दौरान यदि आप बाहर कुछ लेते हैं तो आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो बहुत छोटी छोटी सी देखिए चीजें थी, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में जरूर शेयर की जाए, क्योंकि व्रत के दौरान हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और दूसरी चीज ये कि जब भी आप व्रत करते हैं ना, बाहर से आलू के चिप्स ले आते हैं बहुत सारे, फलाहारी पापड़ वगैरह ले आते हैं, तो यदि आपको पता है कि वे शुद्धता से बने हुए हैं, आपका कोई परिचित व्यक्ति बना रहा है, शुद्धता का उसने पूर्ण रूप से ध्यान रखा है, तभी आप बाहर की चीजों का सेवन करें, नहीं तो आप अपने घर में शुद्ध सात्विक चीजों का ही सेवन करें। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाभप्रद लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो, लाभप्रद लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।